क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट क्या है ये आपको गिवन है x2 + x + k पॉलीनोमियल क्या गिवन है x2 + x + k आपको क्या करना है वैल्यू फाइंड करनी है k की फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर x - 1 इज अ फैक्टर है आपको वैल्यू फाइंड करनी है k की कैसे करेंगे x - 1 फैक्टर सॉल्यूशन क्या लिखोगे x minus 1 is a factor x minus 1 क्या है factor तो इसका remainder क्या है 0 तो x minus 1 factor है x minus 1 equals to 0 x equals to 1 तो p of 1 is remainder और वो क्या है equals to में 0 p of 1 कैसे find करेंगे x के place पे 1 write कर देंगे x के place पे 1 write 1 का square plus 1 प्लस k इज इक्वल टू 0 फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 है रिमाइंडर 0 आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0 1 प्लस 1 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 यहां से k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो प्लस का रूट क्या हो जाएगा माइनस में शिफ्ट हो जाएगा k की वैल्यू -2 होगी ये आपका आंसर आ गया बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपको फैक्टर गिवन है आपने सिर्फ रिमाइंडर को 0 के इक्वल बिकॉज़ फैक्टर से डिवाइड करने का रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है तो यहां से फैक्टर से x की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो हमने क्वेश्चन में पुट करके रिमाइंडर आ गया रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट कर दिया k की वैल्यू आपके सामने आ गई बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका इसके बाद आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन फैक्टराइज करने के लिए फैक्टराइज के क्वेश्चन भी आपने 8th स्टैंडर्ड में किए हैं बट ये थोड़े से डिफरेंट है तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता रहा हूं जिसकी हेडिंग है फैक्टराइज फर्स्ट क्वेश्चन इसका है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 हां जी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया था पावर 2 है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है फैक्टराइज कैसे करेंगे लिसन फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट ये आपको इनका ना रफ में मल्टीप्लाई करना आपको करना है मिड टर्म स्प्लिट मेथड से स्प्लिट मेथड से करना है किससे करना है मिड टर्म स्प्लिट मेथड से आपको करना है ये क्वेश्चन कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं हां जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा पर प्रॉपर साइन के साथ है प्लस है तो प्लस माइनस है दोनों कांस्टेंट है प्लस 1 है प्लस है तो प्लस माइनस है माइनस हां जी दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है प्लस का मान है अब आपको 12 के फैक्टर करने हैं 12 के फैक्टर करने हैं सच दैट कि इनका एडिशन तो या सबट्रैक्शन करना चाहिए -7 जो x के साथ में है और मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए 12 आपने लास्ट में भी किया था कि a plus b तो क्या आना चाहिए माइनस का 7 आना चाहिए और a मल्टीप्लाई b क्या आना चाहिए 12 तो यहां से आप वैसे भी समझ सकते हो कि a और b की वैल्यू जो चूज की जा सकती है वो क्या चूज की जा सकती है a की वैल्यू -3 b की वैल्यू -4 तो ये जो 12 कहां से आया x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट आपको मल्टीप्लाई करना है प्लस का चाहिए तो प्लस का और माइनस का चाहिए तो माइनस का यहां से हो गया उसके बाद क्या करना है हां जी ये आपको फैक्टर मिल गया यहां पे पुट कर लेते हैं 12x स्क्वायर -3x -4x +1 अब इसके बाद हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में क्या आएगा 4x -1 अब क्या कॉमन आ रहा है -1 ब्रैकेट में क्या आएगा 4x -1 अब देखो कॉमन क्या आ रहा है 4x -1 और ब्रैकेट में क्या आएगा 3x -1 ये हो गए फैक्टर आपके बहुत आसान क्वेश्चन है फैक्टराइज करने के लिए यहां पे आपका माइनस प्लस का साइन का मिस्टेक ना समझ आए वापस से वीडियो को देख लेना फिर भी ना समझ आए मैं से पूछ रहा हूं ये आपको इसका फोर्थ पार्ट के जो बाकी क्वेश्चन है वो अपने ट्राई कर लेना